डायरेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशंस, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके कुछ लॉज। लॉज जानने के बाद हम लोगों ने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना, क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी। आज हमने जो पढ़ना था वो फिर हमने डिस्कस किया था डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। आज हमने जो पढ़ना है वो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर कोई ग्लास स्लैब हो, सॉरी प्रिज्म नहीं स्लैब, कोई ग्लास स्लैब हो तो उसके कारण से जो रिफ्रेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, उसका पैटर्न कैसे बनेगा, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सर फर्स्ट ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, और सबको क्लियर आ रही मेरी आवाज? यस सर क्लियर है, सर क्लियर है, आप क्लियर है? हाँ ठीक ठीक क्लियर हो गया। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। कल मैंने कुछ कहा था, कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा था क्या, अगर याद हो किसी को कि मैंने क्या टॉपिक पर कहा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं क्या मैंने पढ़ाने के लिए बोला था। किसी को याद है? नहीं, अरे म्यूट नहीं हो अभी, म्यूट ही हो, बता सकते हो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रॉपर्टीज और कुछ उसके बाद बोला था, बस इतना ही ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक दिखा रही। तो देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कल हम लोगों ने पढ़ रखा था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में आज हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना था कि रिफ्रेक्शन क्या होगा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब होगा उससे रिफ्रेक्शन कैसे होगा वो हम पढ़ने वाले थे। ग्लास स्लैब का मतलब कांच का एक टुकड़ा, इसका एक प्रैक्टिकल भी है आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है, लाइट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको फाइंड करना होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, इंटर प्रूव करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं उस प्रैक्टिकल में करनी होगी। तो वो सारी चीजें पहले आप जान लो क्या क्या चीजें होती है और रिफ्रेक्शन कैसा होता है, क्या फाइंड करना होगा प्रैक्टिकल में आपको, और पेपर में भी कई बार पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट में भी पूछा जाता है, और वैसे भी ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो होगा क्या, एक ग्लास स्लैब है, कांच का एक टुकड़ा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया हमने और इस पर एक रे इंसिडेंट हुई, एक रे इंसिडेंट होती है ऐसे, ये जाहिर सी बात है मीडियम होगा N1 जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, और इस साइड भी क्या है एयर है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया N1। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 ये है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है ग्लास का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, और फिर से बाहर एयर है इसलिए क्या है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका N1 माना गया। कुछ ऐसा समझिए कि ये ग्लास स्लैब है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक ग्लास स्लैब समझिए इसको। अब अगर कोई लाइट रे इस कॉर्नर पर आकर टकराती है, इस पर टकराती है और इधर से बाहर निकल जाए, इधर से टकराए अंदर जाए और अंदर जाने के बाद बाहर निकल जाए, तो इधर एयर मीडियम है, एयर से किसमें ट्रांसफर हुआ, ग्लास के अंदर गई रे, ग्लास के अंदर ट्रेवल की और इस सरफेस पर पहुंच करके ग्लास से बाहर फिर एयर में निकल गई। यानी यहां पर रिफ्रेक्शन जो होगा वो दो बार होगा, एक तो जब लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी इस सरफेस पर, पहला सरफेस ये होगा, दूसरा सरफेस इस सरफेस पर भी लाइट का रिफ्रेक्शन होगा जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, तो लाइट का रिफ्रेक्शन यहां पर दो बार होगा। जब लाइट इससे एंटर करेगी इसमें, तो यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये क्या दिख रहा है, एयर है ये ग्लास है, एयर और ग्लास में जो ग्लास होता है वो टेंसर मीडियम होता है, और कल हम लोगों ने पढ़ा था
when light travels from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. ये normal की तरफ bend हो जाएगा. तो light का सीधे जाना चाहिए था light को. इस light ray को ऐसे सीधे जाना चाहिए था. But ये सीधे ना जाकर के क्या होगी? Bend होगी और यहाँ पर strike करेगी इस surface पर. कांच के अंदर, slab के अंदर. अब slab के बाद, फिर ये slab से बाहर भी निकलेगी. आर पार जाना है इसको. तो फिर हमने इस point, इस incident point पर एक normal draw कर दिया. एक नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब ये क्या होगी, लाइट कहाँ से जाएगी? डेंसर मीडियम से इस बार रेयर मीडियम पर जाएगी, क्योंकि ग्लास से निकल रही है. कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी. तो ये जो क्या होगा इस कंडीशन पर, मैं लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से दूर जाती है. तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से सीधे, ये सीधे जाना चाहिए था. बट ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ से दूर होते हुए इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी. अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से और इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये क्या मिलती है, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों पैरेलल हो जाती है. मतलब ये जो लाइट रे है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, इस इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी. अब इसको कहते क्या है, तो इस लाइट को कहते हैं सिंपल सी बात में है जो भाषा में भाई जाहिर सी बात है, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे बोलेंगे. तो ये हो गई इंसिडेंट रे, इसका रिफ्रेक्शन हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्टेड रे. और ये बाहर निकल रही है, ये वाली रे कहां निकल रही, बाहर निकल रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे जो बाहर निकले उसको कहते हैं इमर्ज करना, बाहर निकलना मतलब इमर्ज करना. तो इसको कहा गया इमर्जेंट रे. अब ये जो डिस्टेंस है इन दो लाइन के बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है डेविएशन ऑफ लाइट. ये क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, डेविएशन ऑफ लाइट रे. इस लाइट रे का क्या हुआ, डेविएशन हो गया. इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे, बट ये इतना लेंथ क्या है, इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, डेविएट हो गई है, भटक गई है. कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, ना समझ में आया तो फिर से मैं समझा दूं, पूछ लीजिए एक बार. अभी बहुत और भी चीजें हैं समझाने लायक इसमें. कोई दिक्कत है किसी को? नो सर. समझ में आ गया होगा कि एक लाइट रे है वो आती है किसी ग्लास स्लैब के एक सरफेस पर टकराएगी, तो डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. फिर यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जा रहे हैं तो नॉर्मल से दूर हट जाएंगे और लाइट रे इस लाइट रे की पैरेलल हो जाएगी. फिर अगर बात करें एंगल्स की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा एंगल आई, ये एंगल होगा एंगल आर, सॉरी ये एंगल होगा एंगल एंगल आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा. अब क्योंकि यही एक सरफेस है इसलिए ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा. भाई क्योंकि देखिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये एंगल सॉल्व हो इक्वल हो सकता है, कैसे बता सकते हो? देखो एक ये वाली नॉर्मल है और ये वाला नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल रे है, ये एक नॉर्मल रे ऐसी बनी हुई है और एक लाइट रे ऐसी आ रही है, ये लाइट रे आ रही है ऐसे कट कर रही है. तो दो पैरेलल रेस हैं, ये एक लाइन है जिसको दोनों लाइंस को कट कर रही है. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल जिसे कहते हैं दो, अल्टरनेट अपोजिट एंगल. इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस. इस कंडीशन पर एंगल आई जो है वो एंगल आर के, सॉरी एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर होता है. एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो आपको जब प्रैक्टिकल करना होगा तो प्रैक्टिकल में आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया जाएगा और यही आपको प्रूव करना होगा कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है. एंगल, सॉरी एंगल आर के नहीं, एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर होता है. ये आपको प्रूव करना होगा प्रैक्टिकल में. जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको यही प्रूविंग करनी होगी और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि ये जो दो लाइन है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में
कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, या फिर आप डेविएशन ऑफ लाइट रे कह सकते हो, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है दो लाइन के बीच में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल में इसको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे वो सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बताया जाएगा प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। फिलहाल जब लाइव क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे तब पता नहीं कब होंगी। तो समझ में आ गया होगा, सुबह हंसी आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ना आया हो तो पूछ लो, दिक्कत कोई किसी को, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई तकल्लुफ, दिक्कत? नो सर, कुछ नहीं। अरे इतने सारे शब्द बोला यार, कुछ तो होना चाहिए था। चलो कुछ नहीं, अच्छी बात है। सर हाँ सर, डेविएशन ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? डेविएशन है बेटा वो DEVIA, डेविएशन ऑफ लाइट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, अगर ये लाइट ये रे मिल चुकी है, ये रे मिल चुकी है, तो इन दोनों की पैरेलल डिस्प्लेसमेंट नाप लेना स्केल से, है ना। डिस्प्लेसमेंट इस तरह से नाप लेंगे डेविएशन कितना हुआ। समझ में आया? नहीं सर। अरे स्केल से बेटा नापेंगे और कैसे नापेंगे, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे नापोगे, स्केल से नापोगे। ओके स्केल से तो मेजर करेंगे। चल अच्छा, इसी टॉपिक पर एक प्रॉपर्टी और है, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि एंगल, ये जो एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये भी इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ये हमें प्रूव भी करना होगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्रेक्शन की, ठीक है। वो प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसका यूज करना पड़ेगा आपको, बहुत इजी भी है, आप बहुत आसानी से समझोगे उसको, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ चीजें होंगी, नई चीजें आ जाएंगी, कुछ चीजें मुझे बताना था, भूल गया था बताना, कल बाद बता दिया जाएगा। तो देखिए है क्या, लाइट कहाँ से जा रही है, पहला ये सरफेस देखते हैं, इतना ब्लॉक देखते हैं, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको इतना ब्लॉक ये देखते हैं, ये वाला ब्लॉक। इसमें जो है फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, सेकंड सरफेस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की बात करें तो इसमें लाइट किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रही है, N1 से जा रही है N2 पर, लाइट N1 से जा रही है N2 पर। इट मीन्स हम कहेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू N1, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, N2 का होगा, इसके रिस्पेक्ट में N1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या कहा जाएगा इसको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू N1, इसको लिखा जाता है 1N2 से, ऐसे लिखा जाता है 1N2, अगर कहीं लिखा हो तो इसको आप क्या पढ़ोगे, 1N2 लिखा हो तो इसको आप पढ़ोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है तब, और अगर लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम पर जाएगी तो कहा जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, और इसको लिखा जाएगा 2N1 से। मतलब समझ आ रहा है सबको, याद करना है, थोड़ा एक तरीका है, नया तरीका है, लिखने का तरीका आपको सीखना है, लिखने का तरीका जो बनाया गया है वो एक कन्वेंशन है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बुक में जो लिखा होता है उस तरीके से लिखोगे तभी मार्क्स मिलते हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को लिखने का तरीका है N2 अपॉन N1, या फिर लिखिए आप 1N2, या फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम लिखने का मेथड है 2N1, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अभी कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सीखा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले रिफ्रेक्शन में ये बताया गया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट था वो कॉन्स्टेंट क्या था,
कॉन्स्टेंट यही था कि एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यही कॉन्स्टेंट था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये होता है साइन आई और साइन आर में जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी। तो साइन आई अपॉन साइन आर, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पहले सरफेस की बात हो रही है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें क्या होगा लाइट कहां से जा रही है n1 से n2 में जा रही है, इट मींस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n2 अपॉन n1। अब इसमें देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दूसरे सरफेस पे भी लाइट सेकंड मीडियम से पहले मीडियम पर जा रही है, इसमें अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल जो ये r लिखा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और ये जो i लिखा है वो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का काम करेगा। इट मींस हम इसको लिखेंगे एंगल i sin i अपॉन सॉरी sin r अपॉन sin i, sin r अपॉन sin i इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, और इस n2 अपॉन n1 को लिखा जाता है 1 n2, और n2 n1 अपॉन n2 को लिखा जा सकता है 2 n1, यही सही है। अगर हम चाहें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो साइन आई है साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू वन एन टू मल्टीप्लाई बाय टू एन वन, तो साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, इट मींस वन एन टू मल्टीप्लाई बाय टू एन वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाई बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू वन। अब सपोज करिए कि इसी से हम दो तीन दो की जगह पर तीन अगर मीडियम हो तब, यानी लाइट ऐसी हो कोई मीडियम इस प्रकार से हो कि लाइट ट्रेवल करे पहले एयर से ग्लास में जाए, ग्लास में कुछ ट्रेवल करने के बाद फिर वो चली जाए वाटर में, या पहले वाटर में ट्रेवल करके बाद में ग्लास में जाए, तो इस तरह से अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या निकल करके आएगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, तो बहुत इजी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वन एन टू मल्टीप्लाई बाय टू एन थ्री और मल्टीप्लाई बाय थ्री एन वन इज इक्वल टू वन, यानी लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पर गई, फिर दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम पर, फिर तीसरे मीडियम से पहले मीडियम पर, तो वैल्यू कितनी आएगी, सबकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू वन आएगी। इसी तरीके से चार मीडियम हो तब भी इसी तरह से आप आगे अप्लाई कर सकते हो, वन एंड टू, टू एंड थ्री, फिर थ्री एंड फोर, फिर फोर एंड वन, तब भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वैल्यू वन ही आएगा, तो एक प्रॉपर्टी मिल रही है हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ये भी समझ में आया होगा, आसान था या टफ था पता नहीं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हाँ पूछिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ऐसे बच्चे मिल जाए कसम से एक एक महीने में सर का कोर्स खत्म कर देगा। अरे सर पहले दिन का आकाश हुकुम बोलना बस पढ़ना मत, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े फिर चलिए। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, ग्लास स्लैब से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लिए, कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिल गई कि हाँ टू एन वन मल्टीप्लाई बाई वन एन टू क्या होता है, वन होता है। इस तरह से अगर दो से तीन मीडियम भी मिल जाएंगे तब भी हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, एक न्यूमेरिकल इसी बेस पर जो मैंने पढ़ाया इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। Oh my God, numerical बताएंगे सर, बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हमें, numerical आप बता देंगे,
इसको नहीं पढ़ना तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओह माय गॉड, बोलने की जरूरत नहीं है, गॉड को परेशान मत करो, उनको भी तसल्ली से रह लेंगे। तो बहुत टेंशन है, कोरोना समाप्त करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, उनको भी बहुत टेंशन है, वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं बेचारे, गॉड को लगे हुए। चलो The refractive index of the refractive index of glass with respect to air with respect to air is 8 upon 9, 9 upon 8, and refractive index of water with respect to air is 4 upon 3. Then find the refractive index of glass with respect टू वॉटर। ये क्वेश्चन है बेटा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 9 upon 8 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4 upon 3। देन फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है एयर के रिस्पेक्ट में 9 upon 8, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है एयर के रिस्पेक्ट में 4 upon 3। आपको बताना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कुछ लोग सॉल्व कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए एक क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करके बता रहा हूँ, सॉल्व मैं कर रहा हूँ, टेंशन मत करो। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया है, नोट ना कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ करके दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एयर को ए से डिनोट कर लेते हैं, ग्लास को जी से डिनोट कर लेंगे और वाटर को डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी मैंने समझाया कि अगर हम 1 N2 लिखते हैं तो 1 N2 का मतलब होता है N2 upon N1, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्वेश्चन में दिया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा,